अपने रफीक हमारे अपने अजीज जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने मुअल्लिम की मुनासबत से उस्ताद की मुनासबत से आज 5 सितंबर को शेर अजीज की वो तमाम ख्वातीन मुअल्लिमात तमाम जेंट्स मुअल्लिम को यहाँ पर याद किया है उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके एजाज इकराम के लिए जो अपनी फील्ड में मारूफ हैं इसलिए कि वह अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करते हैं। आज 5 सितंबर का दिन है हमारे अपने मुल्क अजीज हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में यह मनाया जाता है। एक बात चल रही थी हमारी एनसीपी की महिला विंग की कार्यवाहक अध्यक्ष मोहतरमा सुचिता सोनोनी साहिबा है यहाँ पर, जनाब हेमा भावसार साहिबा है, श्री यासमीन साहिबा है महिला राष्ट्रवादी की सदर, नाजमीन मैडम है एनसीपी की महिला उपाध्यक्ष मरुनिसा मैडम है और उपाध्यक्ष सलमा मैडम है। तो अभी बात चल रही थी कि तालीम के लाइन से जो खिदमत महात्मा फुले साहब ने की है, फातिमा शेख ने की है, ताकिर भाई ने की है, तो क्यों उनकी याद में ये मनाया नहीं जाता है, क्यों 5 सितंबर में? मैडम जहां तक मेरी मालूमात है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये एक टीचर थे, मामूली टीचर थे, और इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, अपने समाज को तैयार किया, अपने मुल्क की तामीर में हिस्सा लिया, बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी थे ये, एक मामूली टीचर थे, होते होते वो हिंदुस्तान के एक नंबर के पोस्ट पर पहुंचे थे, जमहूरिया बने। तो उनके चाहने वालों ने उनसे पूछा कि सर हम आपकी योम पैदाइश मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी योम पैदाइश योम असातिज़ा के नाम से मनाई, इसलिए कि उस्ताद जो होता है वो माशरे की तश्कील करता है, समाज की तश्कील करता है, एक फर्द को तैयार नहीं करता, एक अरस्तु एक सिकंदर तैयार किया तो सिकंदर ने दुनिया को फतेह कर दी। अब्दुल कलाम साहब ने एक मिसाइल के जरिए अपने बच्चों की एक फौज तैयार कर ली और आज हिंदुस्तान में उनके शागिर्द जा बजा अपनी मुख्तलिफ फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो उस्ताद जो होता है एक फर्द को तैयार नहीं करता है, एक माशरा तश्कील देता है, एक समाज तश्कील देता है, और यही समाज यही माशरा मुल्क की तरक्की में कारामद साबित होता है, क्योंकि इंसान अगर इंसान तो वही मुल्क की में तरक्की में काम आता है, और ऐसी इंसान की कदर करते हैं हमारे तालीम दोस्त जनाब आसिफ शेख रशीद साहब अपने काम का आगाज कर रहे हैं। ऐसे ही असातिज़ा की परेशानियों को भी साहब की नजर में है कि भाई बहुत सारे असातिज़ा को अव्वल दिन से ही परेशानियां हो जाती हैं, बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ता है, और फिर वो असातिज़ा भी हैं जो वाकई में अपना काम कमाकौ तौर पर अदा करते हैं और छा जाते हैं अपनी खिदमत से। उनमें से एक नाम शेख मोइन सर का भी है जो इस शहर अजीज की मिट्टी से नहीं है, कहीं और से तशरीफ लाए थे, कई असातिज़ा हैं हमारे अपने दरमियान, मगर इस मिट्टी की मोहब्बत में वो कर्ज अदा किए जिनके ऊपर वाजिब भी नहीं थे। तो ऐसी मारूफ शख्सियात के लिए साहिब ने आज का ये प्रोग्राम तश्कील किया है, एक मुख्तसर से अरसे में ये प्रोग्राम बनाया गया ऐसे लोगों के लिए कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो ऐसे पत्थरों को जो पिघलाते हैं तो इनके यानी एप्रिसिएशन के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे एनसीपी के सदर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, जिनके हौसला मंदाना इकदाम, जिनके सरफरोशाना इकदाम, जिनके मुजाहिदाना इकदाम इस शहर के रास्ते गवाह इस बात के, अगर मैं ये कहूं इकबाल का वो शेर, मैं कहां रुकता हूं अर्श फर्श की आवाज से, मैं कहां रुकता हूं अर्श फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से, मगर क्या करें। हमारे एक दानिश्वर ने कहा था कि ये शहर शहर नापुर समझे कहने दी, दर्द होता है बहुत, साहब ने लोगों के लिए दिन रात एक की, ये शहर शहर नापुरस है शकील भाई, शहर नापुरसा का मतलब होता है कि शहर जिंदा पे कदर नहीं करता, उठाकर फेंक देता, आप काम कर रहे हैं आप बहुत मुखलिस हैं ठीक है, फिर वो दूसरी तरफ बैठ जाता है चला जाता है। बहरहाल शहर ने वो कदर नहीं की जो कदर करना चाहिए था, वरना आज शहर का नक्शा ही कुछ और होता।
साठ साल वादे के सुचिता मैडम साहब ने हमारा ऐसा काम किया था, इनका एहसान तो हम कभी नहीं भूल सकते। साठ खान वादा, साठ यानी फर्द नहीं खानदान, साथ परेशान थे हम, इधर उधर मारे मारे फिरते थे, मगर साहब ने एक उसकी तरह हार की तरह पिरो दिया, एक डोर में पिरो दिया और लाकर कारपोरेशन इंतजारी आफियत की सर्विस एक चांदी की तस्करी में सजा कर हमें पेश कर दी। क्या चाहिए था हमें, तो कुर्बान हो जाना चाहिए था साहब की राहों में, मगर ये सादत बजोर बाजू निस्तान बख्शत खुदाए बख्शी है ना, बस अल्लाह जी से तौफीक दे देता कदर करने की, कोई किया कोई नहीं किया। बहरहाल साहब सबको सलाम करते हैं, सबका काम करते हैं, इसी के लिए आज आपको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। बहुत सारी बात तो मैं ना कहूंगा, बहरहाल आज प्रोग्राम की आज की जो सदारत फरमा रहे हैं, मैं आपकी ताईद से ये बात मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था, मगर अब कह रहा हूँ कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं हमारे शेख अजीज की सही मानों में लाखों दिलों की धड़कन, नौजवानों के कायद, हम तालीमी हल्के में इज्जत की निगाह से देखे जाने वाले, ज़ईफों को भी वैसे ही पसंद आने वाली शख्सियत जनाब आसिफ शेख रशीद साहब आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। आप तमाम ही मौलवियों मौलिमात का मेरी जानिब से मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का इस राष्ट्रवादी भवन के ऊपर इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 सितंबर है और टीचर डे पूरे मुल्क के अंदर आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला किया कि मालेगांव शहर के हमारे टीचर्स मौलिमों मौलिमात जो प्राइमरी और प्राइवेट स्कूलों के हाई स्कूलों के, आप लोगों को भी बुलाकर आप लोगों का इस्तकबाल किया जाए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप लोगों को पता है कि 2013 से ये सिलसिला मैंने शुरू किया था। 5 सितंबर हर साल 5 सितंबर को मैं और हमारे कई साथी हम लोग ऐसा बड़ा प्रोग्राम तो नहीं करते थे, लेकिन आप लोगों के मकानात के ऊपर आपके घरों के ऊपर आकर हम लोग इस्तकबाल करते थे, सिलसिला हमारा चलता रहा। और आज महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी हुक्म था हमको महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी हुक्म था, पार्टी का आदेश था कि प्रोग्राम आप लोग को मुख्तसर प्रोग्राम करना है और हौसला अफजाई आप लोगों को करना है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी दावत के ऊपर यहाँ पर आए। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जो सिलसिला 2013 से मैंने शुरू किया था, आप लोग और ये शहर इस बात का गवाह है कि मालेगांव शहर के अंदर आपको कोई सियासी आदमी नजर नहीं आएगा जो अपना ज्यादा तवज्जे तालीम पर देता है। और 2013 से लेकर आज तक मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मालेगांव शहर के अंदर तालीमी इंकलाब आना चाहिए, बच्चों के अंदर बेदारी आना चाहिए और हमारे बच्चे तालीम हासिल करना चाहिए, मेरी हमेशा कोशिश रही है। और मुस्तकबिल के शहर के बच्चों का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है, आप लोग ही हमारे जैसे बच्चों को, शहर के आने वाली नस्ल को, शहर के बच्चों को, तलबा और तालबात को आप लोग जैसा रास्ता बताते हैं हम लोग आपके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मालेगांव शहर के अंदर हर घर के अंदर आज तालीम पहुंच चुकी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर मकान के अंदर तालीम पहुंच चुकी है। और ये तालीम अगर पहुंची है तो पूरा क्रेडिट आप लोगों को, इस शहर के टीचर्स को जाता है, जो आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हर घर के अंदर आज तालीम पहुंच चुकी है। हम लोग बाहर शहर के अंदर भी देखते हैं, देहातों के अंदर देखते हैं कि कहीं घरों के अंदर आज तक तालीम एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि आप लोग जो मेहनत करते हो, जो आप लोग कोशिश करते हो, और यही वजह है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके घर में आज तालीम पहुंच चुकी है, आप लोगों को क्रेडिट जाता है। और आप लोगों के जो मसाइल है, जैसा अशफाक सर ने कहा कि हद्दवाड़ की बात, आपको एक मिसाल उन्होंने
आपके सामने शहर के सामने रखने की कोशिश की कि हद्दवाड़ के जो टीचर हमारे थे, जब मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन की हद्दवाड़ हुई, 6 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन में, उस वक्त 2012 से वो प्रपोजल को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, 2012 से, और मुसलसल हम लोग जद्दोजहद करते रहे। कई रुकावटें आई, सियासी लोगों ने भी रुकावटें डाली, बहुत बड़े बड़े लोगों ने रुकावटें डाली, लेकिन मैं तमाम ही हद्दवाड़ टीचर्स को सलाम करता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उनकी हिम्मत थी और हम लोग साथ मिलकर उसके अंदर कामयाबी हमने हासिल की। हमने वक्त के सेक्रेटरी से भी हमने लड़ा, असेंबली के अंदर भी आवाज उठाई, हाईकोर्ट तक हमको लड़ना पड़ा, नासिक हमको कई मरतबा जाना पड़ा, कई वजीर के मकान पे जाना पड़ा, दफ्तर जाना पड़ा, और जब जाकर वो मसला हल हुआ। और ये पूरे महाराष्ट्र की पहली केस ऐसी है कि जिस वक्त हद्दवाड़ हुई उस वक्त जो टीचर जो स्कूल के अंदर थे उन्हीं को हम लोगों ने वर्ग किया। कई लोग ये कोशिश करते कि सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन उसमें सीनियर भी थे जूनियर भी थे, लेकिन हम लोगों को हमने जो ठहराव पास किया था, जो कोशिश की थी, उसके अंदर हम लोगों को कामयाबी मिली। ये इससे बड़ा सबूत मैं नहीं पेश कर सकता हूं कि आप टीचर हजरात के लिए मेरी क्या सोच है आप लोगों की। उसके बाद चाहे म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो टीचर्स हैं हमारे, उनकी पगार का मामला हो, उनका 7वां कमीशन की अभी बात चल रही है, 6ठा की बात हो, ये पगार वक्त को निकलना चाहिए। पेंशनर जो है, हमेशा जब भी वो आवाज देते हैं मैं उनके लिए बिल्कुल जाता हूं, उनके लिए मेहनत करता हूं, लड़ता हूं, और हक आप लोगों का जो है दिलाने की कोशिश करता हूं। मैं आज भी आप लोगों से वादा करता हूं, इंशाल्लाह जब भी आप लोगों के मसाइल आएंगे मेरे पास, आप लेकर आएंगे, इंशाल्लाह उसको हल करने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। बहरहाल आज टीचर डे है, और इस मौके के ऊपर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। जिस पार्टी के अंदर आज मैं हूं, राष्ट्रवादी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी का भी एक शिक्षक सेल है जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करता है। मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं कि मालेगांव शहर में भी शिक्षक सेल एनसीपी का हम लोग बनाएंगे, उसका सदर होगा, उसके पदाधिकारी होंगे, उद्देदारण होंगे, और टीचर के मसाइल हम हमारे प्लेटफार्मों से भी हल करने की कोशिश करेंगे। ये बात का मैं ऐलान करता हूं, और पार्टी के प्लेटफार्म से तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो संगठना पहले से काम कर रही है, जो तंजीमें पहले से काम कर रही है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको साथ में लेकर हम काम करेंगे। तो क्या गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, हम उनको साथ में लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, काफी वक्त हो चुका है, मैं वापस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और इंशाल्लाह जरूर इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों की कोशिश करते रहूंगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।